सुधा फैक्ट्री में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं डेरा सज्जन सुधा के अंदर, अंदर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हम लेडीज सेक्शन में हैं, यहाँ पर बच्चियाँ, लड़कियाँ, माताएं सब हमारे साथ जुड़ रही हैं। उनसे बातचीत करके जानते हैं कि डेरा सज्जन सुधा संस्था में उनका अनुभव कैसा है, यहाँ पर माहौल कैसा है संस्था का। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम शाही है और मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से आ रही हूँ। मुझे यहाँ पे आते हुए 15 साल हो गए हैं, मतलब बचपन से ही हम यहाँ पे आ रहे हैं। और मतलब यहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, लेडीज़ को बहुत सपोर्ट किया जाता है। और जैसे ही न्यूज़ में दिखाया था जो भी हुआ था अभी लॉकडाउन जिस वजह से, तो बिल्कुल ही मतलब गलत है, फेक है। और यहाँ पे हम बहुत ही मतलब फ्रेंडली फैमिलियर हैं, काफ़ी सपोर्टिव है यहाँ के लोग और हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है। कभी ऐसा लगा जैसा मीडिया में दिखाया जा रहा था, मतलब आश्रम में सेफ्टी को लेकर काफ़ी सवाल उठाए गए थे लड़कियों के लिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम सोच भी नहीं सकते और ऐसा है भी नहीं है। हमें खुद यहाँ पे इतने टाइम हो गया है, मुझे नहीं लगता ऐसा है। संची का करेक्टर कैसा है मैम? संत जी का नेचर कैसा है, करेक्टर कैसा है? अब वो पिताजी तो क्या ही, उनके लिए शब्द ही नहीं है हमारे पास। पर मतलब पिताजी तो बहुत ज़्यादा हमारे को सपोर्ट करते हैं और मतलब उन्होंने ही हमें आज जो हम यहाँ पे हैं उनकी वजह से ही हैं। मतलब पूरे ज़िंदगी में आज तक मतलब बहुत अच्छी आदतें उन्होंने सिखाई हैं, उन्होंने हमेशा हमें गाइड किया है। वे ऑफ ट्रीट कैसा है, आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं वो? हमें मतलब सबको अपने बच्चों की तरह ही मानते हैं जैसे, और जैसे हमें हमेशा मतलब जैसे किसी ना किसी तरह वार्निंग देते रहते हैं जैसे कि आने वाले टाइम में ऐसा होएगा, तो आप अभी से हमें मोटिवेट करते हैं कि हम मेडिटेशन वगैरह करें और अच्छा अपने आप को स्टैंड करें। ऐसे जो एलिगेशन संची के ऊपर लगाए गए, उसके बारे में पर्सनली क्या लगता है? पर्सनली मैं तो बिल्कुल ही अगेंस्ट हूँ उसके, क्योंकि मेरे को तो लगता है बिल्कुल फेक एलिगेशंस हैं जितने भी हैं। फिर रियलिटी क्या है मैम, इतनी पब्लिक क्यों आती है उनके आश्रम में आज भी? मतलब उन्होंने पब्लिक के लिए, लोगों के लिए काम क्या किए हैं? पब्लिक के लिए काम जितने गिनवाओ उतने ही कम हैं। ऑलरेडी यहाँ पे 140 नियर अबाउट वेलफेयर वर्क्स चल रहे हैं और पब्लिक आती है, यही इतना बड़ा एक प्रूफ है कि यहाँ पे मतलब ऐसा तो है नहीं है कि यहाँ पे लोग मतलब कुछ गलत काम हो रहा है फिर भी लोग आ रहे हैं। यहाँ पे लोग मतलब सेफ फील करते हैं तभी आ रहे हैं। ज़रूरत है उनकी समाज? ऑफ कोर्स ज़रूरत है, ये तो कोई इसमें कुछ शक ही नहीं है। यहाँ पे आ जाएं तो हमें अब जैसे यहाँ पे थोड़ा ऐसा फील होता है, अनसेफ फील होता है, और मतलब जब वो यहाँ पे थे तो हमें मतलब किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं थी, मतलब सिर्फ डेरे को ही नहीं सोसाइटी में भी। क्या अपील करोगे सरकार से? अपील ये है कि वैसे तो पिताजी की मर्ज़ी है कि कब उन्होंने आना है, पर चलो मतलब उनको मतलब जो सच है उसका साथ देना चाहिए, प्रूफ दोनों तरफ से मिलने चाहिए तब हों। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जो लड़कियां यहां पर आती हैं, रहती हैं, उनका कहना है कि जो भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं ये लोग नहीं मानते हैं, इनका कहना है कि सब झूठे लगाए जा रहे हैं। आप भी देखते रहिए जनता की आवाज़ द फैक्ट टाइप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।